गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एस फोर सक्सेस चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है। आज हम आपके लिए खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, चलिए शुरू करते हैं। किस एक खेलकूद व्यक्तित्व को पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? पीटी ऊषा को। वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? रियो डी जेनेरियो में। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? 5 महाद्वीपों के। डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? 1900 ईस्वी में। एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? 1951 ईस्वी में। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही कौन थी? जुनको ताबेई। भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? सन 1980 मास्को ने। ओलंपिक के मोटो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? अफ्रीका। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो। 37वें राष्ट्रीय खेल 2019 में कहाँ हुए थे? आंध्र प्रदेश में। प्रथम एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में। कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है? यूएस ओपन। पोर्ट कैनन क्यू आदि शब्दावलियाँ किस खेल से संबंधित हैं? बिलियर्ड्स। इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम की आत्मकथा कौन सी है? माई साइड। जिग्र किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। शतरंज ओस्कर पुरस्कार किस पत्रिका द्वारा प्रदान किया जाता है? 64। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? टोक्यो में। फ्रेंड्स, से टोक्यो में होने थे। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? महिला बैडमिंटन के लिए। कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? विश्व महिला टेबल टेनिस से। पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? 8 गज से। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद की। फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद को हॉकी के पिता भी कहा जाता है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2015 में मैन ऑफ द मैच कौन थे? जेम्स फोकनर। तेज गेंदबाजों में से किस एक ने टेस्ट क्रिकेट के एक मैच के पहले ही ओवर में लगातार 3 विकेट लिए थे? इरफान पठान ने। कौन सा एक फुटबॉल क्लब नहीं है? मोंटे कार्ली। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? मैक्सिको सिटी ओलंपिक। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? 1928 ईस्वी में। बुला चौधरी किस खेल विधा में सुविख्यात हैं? तैराकी। संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1933 में। खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित है एथलेटिक्स से। स्टाइनले कब किससे संबंधित है? आइस हॉकी से। अन्निका शोरेनस्टाम एक प्रसिद्ध क्या है? पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हैं। खेलों में स्मैश किससे संबंधित समय से संबंधित है? से। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? पेरिस ओलंपिक 1900 से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? लोसाने में। द वर्ल्ड विनिथ फिट बैडमिंटन के किस कोच की जीवन कथा है? पी गोपीचंद की। सडेन हैथ शब्द किस खेल से संबंध है? कुश्ती से।
भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? मेरी लीला रो। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्ष के अंतराल पर। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। रोइंग शब्द किस खेल से संबंध है? नौकायन से। ट्रैफलगर ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारोत्तोलन की चैंपियनशिप जीतने वाले देश को। चाइना कप किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से। गामिनी संजीवनी अमर ब्राह्मणी ये किस खेल के विविध रूप हैं? कबड्डी के। सुशील कुमार किस खेल स्पर्धा से संबंध है? कुश्ती से। पंजाब के जालंधर जिले के किस गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है? संसारपुर को। अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? राइफल शूटिंग से। भारत में टेबल टेनिस एसोसिएशन कब बना? 1938। फुटबॉल का साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता भारत में। मानवजीत सिंह किस खेल से संबंध है? निशानेबाजी से। ए शॉट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है? अभिनव बिंद्रा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? 1958 ईस्वी में। वर्ष 1868 में मार्क्वेस ऑफ क्वींसबरी द्वारा किस खेल के नियमों का निर्धारण किया गया था? बॉक्सिंग का। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का गौरव प्राप्त है? सचिन तेंदुलकर को। जिम्नास्टिक में किस आधार पर अंक दिए जाते हैं? परेशानी, नवीनता, शालीनता और अस्वस्थ गति के आधार पर अंक दिए जाते हैं। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकता सूरज। हॉकी के खेल का परिमाप कितना होता है? 100 गज बाय 60 गज। फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात भारतीय धावक का नाम क्या है? मिल्खा सिंह। फुटबॉल के गेंद की परिधि कितनी होती है? 27 इंच से 28 इंच तक। 68.5 सेंटीमीटर से 71 सेंटीमीटर। फर्नांडो ओलंसो किस खेल से संबंधित है? Formula 1 रेस से। किस खेल को प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट कहा जाता है? शतरंज को। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? जयपुर में। प्रथम डेविड डिक्शन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? नताली डू तोइट को। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? 1889 में स्थापित है अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं? फिजी के। हॉकी में एक टीम कितने खिलाड़ी बदल सकती है? 3 खिलाड़ी। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य क्या है? ह्यूमनिटी, इक्वलिटी एवं डिस्टनी। बुल्स आई किस खेल स्पर्धा से संबंध है? निशानेबाजी से। शोशर किस खेल का दूसरा नाम है? फुटबॉल का। चेज, फ्रीजो एवं पोन शब्द किस खेल से संबंधित है? खो खो से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।